पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर ली जाए, जिसके 52वें यौम तासीस के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुजफ्फराबाद में पंडाल सजा लिया गया है। यूनिवर्सिटी ग्राउंड की बात की जाए, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे के लिए एक बड़ा स्टेज भी तैयार कर दिया गया है। जलसा गांव में कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसके अलावा आजाद कश्मीर के सदर और जनरल सेक्रेटरी भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। मजीद बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे बशारत मुगल से। बशारत मुगल, बताइएगा तमाम तरह तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, कब तक पहुंचेंगे बिलावल? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुलकूमत मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में, जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना 52वां यौम तासीस जो है वो इस दफ़ा मजलूम कश्मीरियों के साथ आज़ाद कश्मीर में मना रही है। यहाँ पंडाल सज चुका है और चारों इतराफ यहाँ बैनर्स हैं, उससे इस जो पंडाल को है वो सजा दिया गया है। मेरे कैमरा मैन अगर आपको दिखा सकें, हज़ारों की तादाद में चेयर लगा दी गई हैं और जियालू की जो आमद है वो शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबा जात से भी लोगों की एक बड़ी तादाद मुजफ्फराबाद पहुँच चुकी है और AJK में तारीख में यह पहली मरतबा हो रहा है कि कोई पाकिस्तानी सियासी जमात है अपना यौम तासीस कश्मीर में मना रही है। मेरे कैमरा मैन अगर स्टेज के ऊपर आपको दिखा सकें, ये AJK की हिस्ट्री में किसी भी सियासी जमात की जो यौम तासीस की तकरीब है, सबसे बड़ा स्टेज इस वक्त बनाया गया है और इसके ऊपर बीबी की तस्वीर जो वाजिया तौर पर नजर आ रही है। इसके पंडाल में कुर्सियां सजा दी गई हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम भी कर लिए गए हैं। बशारत मुगल, आपका शुक्रिया तफसीलात सुनने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।